नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे शेयर के बारे में, वैसे मिड कैप शेयर जो आपको बोनस शेयर दे सकते हैं। तो बोनस शेयर का जो मैजिक है वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप अभी तक बोनस शेयर के मैजिक को नहीं चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने एक पूरा प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें बोनस शेयर के मैजिक के बारे में हम बताते हैं। बोनस शेयर के मैजिक के इस सीरीज में हम आपको उस मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो आगे चल करके आपको बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, आपको बोनस शेयर दे सकते हैं, मतलब फ्री का शेयर आपको दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, मिड कैप कंपनीज मे गिव यू बोनस शेयर इन कमिंग टाइम। तो वैसे मिड कैप कंपनी जो कि आपको बोनस शेयर दे सकते हैं आने वाले समय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि वैसे मिड कैप कंपनी जो कि आपको आने वाले समय में बोनस शेयर दे सकते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड कैश एंड रिजर्व इस कंपनी के पास है 1680, इतना का रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं मार्केट कैप इसका है 12,396, जैसे 20,000 करोड़ जिस कंपनी का मार्केट कैप हो, पहले हम उसे लार्ज कैप कहते थे। तो अभी भी जब अपडेट होगा तो निफ्टी का जो इंडेक्स उसमें हो सकता है इसे लार्ज कैप कैटेगरी में दे दिया जाए। और इस कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है बिल्कुल जीरो है, और पी रेशियो देख सकते हैं 81 का है, काफ़ी हाई पी रेशियो है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। आप जो है जुबिलेंट फूड के जो शेयर है और उसमें काफ़ी मोमेंटम आपको देखने में मिलेंगे। अभी समझ सकते हैं इसका बिजनेस जब बंद है तब पर भी इस कंपनी का जो पी रेशियो देखते हैं अभी भी 81 है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3-4 सालों में इसने। और कंपनी जो है पिछले 10 साल से अप्रॉक्स रजिस्टर्ड है, 2010-12 से ही। उसके बाद दूसरा है माइंडट्री। कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, 3,580 करोड़ का, और मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का, और जो डेप्ट है कंपनी के पास 566 करोड़ का, और जो पी रेशियो है 24 का। ये भी काफ़ी बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर कैश और रिजर्व कहाँ देखते हैं? तो कैश और रिजर्व आप मंडी कंट्रोल के वेबसाइट स्क्रीनर पे आप किसी भी जगह आप जो है कैश और रिजर्व कंपनी का देख सकते हैं। कंपनी के पास कितना कैश और रिजर्व है, डेप्ट कितना है कंपनी के पास, जो लाइबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, मतलब करेंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है महानगर गैस। दोस्तों महानगर गैस इसके पास कैश और रिजर्व जो है कंपनी के पास 3,080 करोड़ है, और जो मार्केट कैप है कंपनी का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो डेप्ट है कंपनी का जीरो है, और जो पी रेशियो है वो 13 है। तो ये है हमारा महानगर गैस। उसके बाद चौथा है हमारा रामको सीमेंट। इस कंपनी के पास जो कैश और रिजर्व है वो 6,150 करोड़ का है, और मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 15,000 करोड़ का है, और जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो है 2,632 करोड़ का, और जो पी रेशियो है इसका 25 है। तो रामको सीमेंट काफ़ी बेहतरीन ये भी स्टॉक्स है, पिछले कई सालों से ये भी बोनस दिया है। तो ये सारी जो कंपनी है इसका पीछे का भी रिकॉर्ड है कि वो बोनस कई बार इश्यू किया है, तो पिछले रिकॉर्ड को भी देखते हुए हमने उसे शामिल किया है। अगला है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्री। दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, कैश और रिजर्व देख सकते हैं 5,000 करोड़ का है, जो कंपनी के पास कैश है, सरप्लस है, और जो बैंक बैलेंस है सारे चीज़ यहाँ पर हम मिला के लें तो 5,000 करोड़ का है। मार्केट कैप 24,548 करोड़ का, कंपनी के ऊपर डेप्ट बिल्कुल जीरो है, पी रेशियो 26 का है। उसके बाद मानापुरम फाइनेंस देखते हैं, मानापुरम फाइनेंस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो कैश और रिजर्व है कंपनी के पास वो है 7,500 करोड़ का, और कंपनी के जो मार्केट कैप है वो 13,379 करोड़ का है, और इट हैज डेप्ट इसके ऊपर डेप्ट है क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। ये तो कंपनी क्या करती है, इधर से लोन लेती है, उधर इंटरेस्ट पर लोन देती है, या तो कंपनी स्टॉक मार्केट सेक्टर में काम करती है, तो फाइनेंस जो कंपनी होती है उसके ऊपर डेप्ट तो आपको देखने मिलेगा ही, तो इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया यहाँ पर इट हैज डेप्ट। तो इसका ऊपर जो डेप्ट है, लेकिन कंपनियाँ जो है काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस शेयर इश्यू करने का, तो क्योंकि कंपनी ये सारे कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, तो मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो स्टॉक्स मतलब जो कंपनियाँ लगातार अपने ग्रोथ पर फोकस कर रही है, आप उस स्टॉक को चुन सकते हैं, मतलब उस कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए चुन सकते हैं। और इसका पी रेशियो मात्र देखते हैं 10 का है, काफ़ी लो पी पर आपको मिल रहा है।
उसके बाद कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल देखने हैं रिजर्व, ये भी कंपनी है काफ़ी बार बोनस इश्यू की है, आपको हमने एक वीडियो भी बनाया था उसमें बताया था कैस्ट्रोल वो छुपा रुस्तम शेयर है जो काफ़ी बार बोनस इश्यू किया है। अगर आप 1000 शेयर इसमें लिए रहते आपके पास अभी 500000 शेयर अप्रॉक्स होता, तो समझ सकते हैं इतना ज़्यादा बोनस ये कंपनी दिया है कि 1000 शेयर को 500000 शेयर बना दिया है। मतलब विप्रो के बाद समझिए कि ये कैस्ट्रोल जो है सबसे ज़्यादा बोनस देने वाले शेयरों में से एक है। इस कंपनी के पास जो कैश और रिजर्व सरप्लस मनी है 1750 करोड़ का, इसका मार्केट के 12000 करोड़ का है, इसका जो डेप्ट है जीरो है और पी रेशियो 16 का है। उसके बाद हमारा इप्का लैब, इप्का लैब इसके पास कैश जो रिजर्व जो है 3700 करोड़ का और इसका जो मार्केट कैप है 20000 करोड़ का और कंपनी जो कंपनी का डेप्ट है मात्र 387 करोड़ का है और इसका जो पी रेशियो है 32 का है। उसके बाद हमारा अगला है आरती इंडस्ट्री, दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल दोनों में बिजनेस है इसका, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है क्योंकि आप इसका थोड़ा बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों बिजनेस में है और इसके पास जो रिजर्व कैश मनी है वो है 3000 करोड़ का और जो कंपनी का मार्केट कैप है 16000 करोड़ का। उसके बाद इस कंपनी के पास डेप्ट जो है देखते हैं 1789 करोड़ का, ये भी कंपनी कई बार पीछे बोनस इश्यू की है और इसका जो पी रेशियो है 30 का है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है अजंता फार्मा, ये भी कंपनी काफ़ी बार बोनस इश्यू की है जिसका वीडियो आपको आगे देखने मिल जाएगा, इसका मैजिकल जो बोनस का रिटर्न है वो हम आपको आगे दिखाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। अजंता फार्मा का 2500 करोड़ इस कंपनी के पास कैश और रिजर्व है, इसका जो मार्केट कैप है 12479 करोड़ है और कंपनी के डेप्ट जीरो है और इसका पी रेशियो 28 का है। उसके बाद जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट लाइफ का जो रिजर्व है वो है 2800 करोड़ का और इसका जो मार्केट कैप है 10586 करोड़ का और इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 1950 करोड़ का और कंपनी का जो पी है 33 का। उसके बाद है नाटको फार्मा, नाटको फार्मा का जो कैश और रिजर्व मनी है वो है 3850 करोड़ का और इसका जो मार्केट कैप है 11000 करोड़ का, मतलब 11601 करोड़ का और इसका जो डेप्ट है 300 करोड़ का और पी रेशियो है इसका 24 का। तो ये सारी कंपनियां हैं जो मिड कैप कंपनी है जिसमें काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है, तो वैसे कंपनी आपको चूज करना है जिसमें आगे ग्रोथ हो, मतलब वैसे कंपनियां जिसके मैनेजमेंट आगे ग्रोथ पर ध्यान देता हो, मतलब वो ग्रोथ के लिए अपने कंपनी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए वो भूखा हो, मतलब वो उसका हमेशा चाहत हो कि उसकी कंपनी नेशनल लेवल पर बने और फिर वो इंटरनेशनल पर बिजनेस करे कारोबार करे, तो वैसे कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद है हेक्सावेयर टेक, और इसके पास कैश और रिजर्व जो है 1900 करोड़ का है, कंपनी का जो मार्केट कैप है 9980 करोड़ का और डेप्ट जीरो है और पी रेशियो 20 का है। उसके बाद एन आई आई टी टेक इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 2300 करोड़ का और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8654 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेप्ट जीरो है और इस कंपनी का जो पी है वो 20 का है। तो ये है हमारे जो इम्पॉर्टेंट मिड कैप स्टॉक्स है जो कि आगे आने वाले समय में आपको बोनस शेयर इश्यू कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स को चूज करने में, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने मार्केट कैप दिखाया है, कैश रिजर्व दिखाया है, कंपनी का डेप्ट भी दिखाया है, तो यहाँ से जीरो डेप्ट वाली कंपनी भी आप चुन सकते हैं, जो लो वैल्यूएशन पी वाले स्टॉक्स है उसको भी चुन सकते हैं, लेकिन जब भी आप चुने अच्छे क्वालिटी स्टॉक चुने, अच्छे क्वालिटी स्टॉक कभी भी आपको लो पी पर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है कि जो अच्छे क्वालिटी वाले मिड कैप स्टॉक्स है उसमें आगे काफ़ी ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है, तो ये भी ग्रोथ के साथ साथ बोनस भी आपको दे रही है ये सारे स्टॉक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक साथ आपको दो एक तो ग्रोथ मिलेगा दूसरा बोनस का मैजिकल रिटर्न मिलेगा, तो ये दोनों चीज़ एक साथ आपको मिड कैप स्टॉक्स में देखने मिलेंगे। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में आप जरूर इन्वेस्ट करें और आप अपना खुद का रिसर्च करें कि कौन से क्वालिटी मिड कैप स्टॉक में आपको मतलब इन्वेस्ट करना है, उसके बाद फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी थोड़ा सलाह ले लें। और तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।